हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल ट्रक्स पार्क में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन रिव्यू करने वाले हैं महिंद्रा के इलेक्ट्रिक ट्रियो का, अपन आज कंप्लीट रिव्यू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखें इसकी व्हीकल कैटेगरी की बात करें तो अपन L5M ऑटो कैटेगरी के अंदर ये जो आएगा, और वहीं सीटिंग कैपेसिटी की बात करें तो अपन ड्राइवर सहित 3 पैसेंजर का आपका इसके अंदर सीटिंग कैपेसिटी रहने वाला है। वहीं आपको वाटरप्रूफ सनरूफ इसके अंदर मिलने वाला है, और जो कि इसे एक्सजेन का बना हुआ मिल जाएगा, जो कि कैनोपी अपन बोल सकते हैं। और वहीं बात करें इसके डायमेंशंस की तो यहाँ पे आपको 2769 mm का इसके लंबाई मिल जाएगी, और 1350 mm की इसके अंदर चौड़ाई मिल जाएगी, और वहीं 1750 mm की इसके अंदर आपको हाइट भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगी। तो वहीं बात करें इसके ग्राउंड क्लियरेंस की तो आपको 142 mm का इसके अंदर ग्राउंड क्लियरेंस आपको देखने को मिल जाएगा, और वहीं बात करें इसके व्हील बेस की तो 2073 mm का इसके अंदर आपको व्हील बेस देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले फ्रंट की साइड से देखें तो अंदर फ्रंट का व्यू कुछ इस तरह है, जिसमें आपको काफ़ी बड़ी इसके अंदर फ्रंट विंडशील्ड देखने को मिल जाएगी, और सही आपको सिंगल वाइपर आपका इसके अंदर ऑपरेशन देखने को मिल जाएगा। और साइड में देखें तो आपको हेलोजन के आपको इसके अंदर इंडिकेटर आपको देखने को मिल जाएंगे। इस जस्ट नीचे साइड देखें तो आपको महिंद्रा का लोगो देखने को मिलेगा। और वहीं बात करें इसके साइड के हेडलैम्प की तो आपको बड़ी हेलोजन लैम्प आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगी। और वहीं बात करें दोस्तों इसके फ्रंट टायर की तो यहाँ पे आपको 12 इंच की स्टील रिम के साथ आपको ये 12 इंच के टायर मिलने वाले हैं, जिसका साइज़ देखें तो 3.75 12 आपका इंच का आपको टायर मिलेगा। वहीं बात करें इसके ब्रेक्स की तो यहाँ पे आपको हाइड्रोलिक्स ब्रेक्स आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे, रियर और फ्रंट के अंदर हाइड्रोलिक ब्रेक आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। वहीं बात करें इसके दोस्तों सस्पेंशन की तो अभी आपको हाइड्रोलिक सस्पेंशन आपको इसके अंदर फ्रंट के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। और रियर सस्पेंशन की बात करें तो आपको इसके अंदर लीफ स्प्रिंग का सस्पेंशन आपको रियर के अंदर देखने को मिलेगा, और वहीं सेम आपको जो ब्रेक्स है आपको हाइड्रोलिक ब्रेक आपको रियर के अंदर भी देखने को मिल जाएंगे। और जो टायर का साइज़ रहेगा तो टायर का साइज़ रहेगा वो भी आपको पीछे की तरह सेम मिलेगा, 3.75 आपको इसके अंदर नाइलॉन टायर आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि 12 इंच के टायर आपको देखने को मिलेंगे। और बोल्ट को होल्ड करने के लिए यहाँ पे आपको 4 इसके अंदर बोल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। अंदर का व्यू कुछ एक बार देख सकते हैं अंदर से, और यहाँ पे आप लीफ स्प्रिंग भी आप इसको देख सकते हैं किस तरह की रहेगी। बैक साइड का व्यू देखें कुछ इस तरह है, जिसमें आपको इलेक्ट्रिक की यहाँ पे ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, और साथ में आपको ट्रियो की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे इसके जस्ट नीचे की दिशा देखें महिंद्रा की ब्रांडिंग को एम्बोज किया हुआ है, और साथ में आपको रियर टेल लैंप आपको देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे नंबर प्लेट के लिए यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे छोटी रेड लैंप मिलेगी, और पीछे की साइड यहाँ पे छोटा सा ब्लैक बम्पर आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे इसके अंदर जो कैनोपी है उसके अंदर आपको ट्रांसपेरेंट सीट आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि रिवर व्यू के लिए देखने के लिए बड़ी आसानी रहती है ड्राइवर्स के लिए। और साइड का व्यू देखें तो कुछ इस तरह है, जिसमें आपको साइड ग्लास आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि मैकेनिकली ऑपरेटेड रहेगा। और यहाँ पे जस्ट नीचे देखें तो महिंद्रा इलेक्ट्रिक यहाँ पे बैजिंग आपको देखने को मिल जाएगी। और वहीं बात करें दोस्तों इसकी बैटरी की तो यहाँ पे आपको लिथियम आयन की बैटरी मिलेगी, जो कि 24 वोल्टेज की बैटरी मिल रही है, और इसके नीचे आपको कंप्लीट इसके अंदर बॉक्स के अंदर देखने को मिल जाएगी। और यहाँ से आप इसको चार्जिंग का सॉकेट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, और यहाँ से इसको चार्ज लगाने का सॉकेट है, और ये अभी ये चार्जर है कम्प्लीटली आपको यहाँ से कंपनी के साथ में आपको दिया जाएगा, और यहाँ पे आप इसको ओरिजिनली आप इसको लगा सकते हैं। और इसकी जो वारंटी रहती है लगभग 3 से 4 साल के आसपास वारंटी आपको उसके अंदर देखने को मिल जाएगी, और बैटरी को कम्प्लीट चार्ज करने के लिए आपको लगभग 3 से 3.5 घंटे आपको उसका कम्प्लीट टाइम लेगा। और यहाँ पे देखिए तो ड्राइवर को बैठने का जो सीट है तो यहाँ पे कुछ इस तरह है, जो कि काफ़ी अच्छा मटेरियल ही यूज़ किया हुआ है, और काफ़ी वाइड इसके अंदर सीट भी यूज़ की है, और पीछे बैक रेस्ट के लिए भी आपको ड्राइवर की सीट आपको देखने को मिल जाएगी। और कुछ इस तरह का आपका हैंडल बार आपको देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको देखें तो यहाँ पर आपका हॉर्न, लेफ्ट राइट इंडिकेटर, और इसका अपना लो बीम हाई बीम, और यहाँ पर आपको जो फ्रंट फॉरवर्ड रिवर्स न्यूट्रल के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया रखा है, और यहाँ पे भी आपको ऑप्शन दिया हुआ है, और यहाँ पे आपका ये हैंडल लीवर एक्सेलेरेटर के लिए, और यहाँ पे कुछ इस तरह का आपका एलईडी लैंप देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपका देख सकते हैं यहाँ पे किलोमीटर के दिया हुआ है, और कितने टोटल कितने किलोमीटर चली है, बैटरी चार्जिंग का ऑप्शन है, वो चीज़ें अपन इसके अंदर देख सकते हैं। और यहाँ पे कंप्लीट व्यू है, और इसके जस्ट नीचे की साइड देखिए तो यहाँ पे हाइड्रोलिक ऑयल के लिए, और कुछ इस तरह की इसकी चाबी इस तरह रहेगी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रेक्स के लिए यहाँ पेडल दिया हुआ है, और यहाँ पे जो इसके अंदर मैटिंग की हुई है ब्लैक कलर की मैटिंग आपको देखने को मिल जाएगी। इसका पीछे का साइड देखिए जहाँ पे पैसेंजर बैठने का, तो यहाँ पे आपको इसके अंदर गेट देखने को मिल जाएंगे, और इसको गेट को ओपन करने के लिए यहाँ पर आपका स्विच दे रखा है, इसको आप ऐसे ऊपर करोगे तो यहाँ पर आप गेट ओपन हो जाएगा, और अंदर आप इसके अंदर आप बैठ सकते हैं। और यहाँ पर बात करें इसके सीट की तो यहाँ पर आपको ड्यूल टोन आपको सीट आपको देखने को मिल जाएगी, जिसका कलर आप देख सकते हैं ब्लू कलर और
कुछ ब्राउन कलर टाइप का इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। और साथ में आपको इसके अंदर भी आपको ग्रैब हैंडल भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। चार यहाँ पर ग्रैब हैंडल दिए हुए, एक यहाँ पे और यहाँ पे तीन ग्रैब हैंडल देखने को मिल जाएगा। और दूसरी साइड में भी आपको यहाँ पे गेट दिया हुआ है, उसके अंदर से आपको खोलने का ऑप्शन नहीं मिल पाएगा क्योंकि आप लेफ्ट साइड में ही आपको इसके अंदर ऑप्शन खोलने का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। और काफ़ी सारा यहाँ पर आपको स्पेस मिल जाएगा, आप इजीली अपना सामान वगैरह रख सकते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों इसके एक्सोरूम प्राइस की, तो यहाँ पे आपको राजस्थान के अंदर आपको इसके लगभग 2,94,000 की इसमें एक्सोरूम प्राइस आपको देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे साइड में आपको हैंड ब्रेक लीवर भी आपको देखने को मिल जाएगा। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और अगर ऐसे ही कुछ दूसरे वीडियो पर हम देखना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।